गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन में मींस एसईसी 302 में व्हाट विल वी डू, वील गो थ्रू इन डिटेल अबाउट कम्युनिकेशन प्रोसेस. व्हाट इज कम्युनिकेशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कितने टाइप का है, वो मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो सेंड कर चुकी हूँ. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेटिव प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती हैं. इट इज अ सिस्टम जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वी टेल समथिंग, समवन लिसन्स टू अस, देन अंडरस्टैंड्स एंड रिस्पॉन्ड्स. क्या रहता है, इफ आई एम सेइंग समथिंग, यू विल रिसीव द मैसेज, देन यू विल अंडरस्टैंड इट, देन यू विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. तो एक सर्कल सा हमारा बन जाता है. सो इसमें मेन रहता है एक सेंडर रहेगा. सेंडर इज वन हु इज कम्युनिकेटिंग. सपोज आपका जो है वो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमारी क्लास लगी हुई है, हम लोग क्लास में हैं, एंड इफ आई एम सेइंग समथिंग टू यू, सो आई विल बी अ सेंडर एंड आई विल सेंड अ मैसेज टू यू. कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद द सेंडर. और सेंडर इज सेंडर हिमसेल्फ इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्ड्स, डेट, सिंबल्स देमसेल्फ्स, बट ही यूजेज देम फॉर कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स. तो हम उसको सेंडर क्या करता है, एक मैसेज कन्वे करेगा आपको, मैसेज जाएगा. दूसरी चीज क्या है, पहले सेंडर इज इम्पॉर्टेंट, देन मैसेज इज इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड विद यू, आपको वो मैसेज जाएगा. कि सपोज हम जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो मैसेज आपको जाएगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स विच आई विल शेयर विद यू. देन इट इज कॉल्ड एनकोडिंग. इट मीन्स टू कन्वर्ट द बॉडी ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. एंड कोड करना है. कोडिंग इज द सिस्टम ऑफ सिंबल साइंस, जहां पे हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं. सेंडर ट्राइज टू पुट द मीनिंग ऑफ मैसेज इन टू अप्रोप्रिएट वर्ड्स, सिंबल्स, जेस्चर्स. और जो सेंडर है वो क्या करेगा, वर्ड्स के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू आपको जो है वो कम्युनिकेट करेगा, आपने वो रिसीव करना है. उसके बाद है चैनल. चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन. इट मूव्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. किस तरह से मेरी जो आवाज है या मेरी जो मैसेज है वो आप तक पहुंच रही है, दैट इज कॉल्ड चैनल. एंड this path is called channel. Fine, this is the path through which a message travels. A receiver, you will be the receiver then who will receive my message. The person who is referred to as decoder भी बोलते हैं, क्योंकि आप encoding होगी, फिर उसकी decoding होगी. Decoding means आप उस message को understand करोगे, उसको receive करोगे और उसका कुछ meaning निकालोगे कि आपको क्या बताया गया है. और ये effective कब होता है, जब receiver जो है sender का message properly receive करेगा, then decoding is there. फिर रिसीवर के साथ डीकोडिंग एसोसिएटेड है. डीकोडिंग मींस आप उस मैसेज को रिसीव करोगे, समझोगे और उसके अपने आप को उस मैसेज को क्लियर करोगे, व्हाट इज बीइंग कन्वेड. इट मींस अटैचिंग वन्स ओन मीनिंग टू द मैसेज. आपने उसमें से क्या रिसीव किया है. सपोज आई टोल्ड यू अ स्टोरी, आई हैव शेयर्ड इट मेनी टाइम्स विद यू, दैट वंस देयर वाज एन अल्कोहलिक. सो सम ऑफ द साइंटिस्ट्स वर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ, और व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन आवर हेल्थ. सो व्हाट डिड दे डू, दे टुक टू ग्लासेस ऑफ वाटर, टू ग्लासेस, वन वाज फिल्ड विद वाटर, अदर वन वाज फिल्ड विद अल्कोहल. तो उन्होंने क्या किया, दे टुक होल्ड ऑफ यू नो टू अर्थवर्म्स, जो के दो केंच चूहे होते हैं. तो उन्होंने क्या किया, दोनों केंचुओं को उन ग्लासेस में डाला. वन ऑफ द अर्थवर्म, इट केप्ट ऑन मूविंग और स्विमिंग इन वाटर, एंड द अदर वन इट गॉट डिसॉल्वड एंड वाज किल्ड. सो दे आस्क्ड व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ इट. व्हेन दोज वेरी पीपल हु वर एक्सपेरिमेंटिंग, दे आस्क्ड कॉमन पीपल हु वर सिटिंग देयर. तो वन ऑफ द पर्सन, व्हाट डिड ही से, ही वाज एन अल्कोहलिक, ही वांटेड टू सी पॉजिटिविटी विद दैट. ही सेड दैट इफ वी विल टेक अल्कोहल, आवर हेल्थ वुड बी अमेजिंगली गुड. हमारे हेल्थ, हमारे जो जर्म है, बैक्टीरिया है बॉडी के, वो सारे मर जाएंगे. तो दैट वॉज द मैसेज विच वॉज रिसीव्ड. कन्वे तो कुछ और किया गया था. कन्वे क्या किया गया था, कि इफ यू आर टेकिंग वाटर, इवन अर्थवर्म इज वेरी सेंसिटिव, वेरी सॉफ्ट. तो वो जैसे वाटर में स्विम कर रहा था, आर बॉडी रिमेन्स वेरी गुड. एंड इफ वी टेक अल्कोहल, तो हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, दे गेट डैमेज. तो रिसेप्शन अपनी अपनी है. आप रिसीवर, बींग रिसीवर, आप मीनिंग अटैच अपना जो है वो खुद करते हो. तो it is possible that the receiver doesn't interpret the message in the same sense as the way it is conveyed. तो वो मैंने आपको example एक quote करके दिया है. तो वो क्या करेगा, वो message को अपने according receive करेगा. At times we are discussing, you know, suppose we are discussing a topic, और लंबा topic हमारा चलता है, और last में हम ये add करते हैं कि कल आपको छुट्टी है, you won't come to college tomorrow, और दो दिन class नहीं लगेगी. नो, what did the people receive? उन्होंने सारे का सारा जो पहले वाला चीज थी वो नहीं receive की. उन्होंने क्या receive किया, कि अब दो दिन break है,
प्लस जो है कल तो ऑफ है, तो वो चीज़ें आपने रिसीव की। तो रिसीवर जो है इंपॉर्टेंट क्या था, व्हाट्स एवर वॉज डिस्कस्ड अर्लियर, लेकिन रिसीवर ने क्या रिसीव किया, उसके काम का था। एट टाइम्स इट हैपन्स वी रिसीव और वी लिसन टू द कंटेंट्स द वे वी वॉन्ट टू लिसन टू, जो बताया जाता है उस तरह से रिसीव नहीं होता। रिसीव कैसे होता है, मेरी अपनी रिक्वायरमेंट, मेरी अपनी जरूरतों के हिसाब से। एंड फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक डजेंट मीन दैट यू हैव टू राइट डाउन समथिंग ऑन अ पेपर एंड लीव इट। फीडबैक इज वाइल यू आर लिसनिंग टू समथिंग, द वे यू आर रिसीविंग, द वे यू आर डिकोडिंग एंड द वे यू आर रिएक्टिंग टू इट। वो रिएक्शन कैसा हो सकता है, फीडबैक मैंने आपको पहले भी कहा था कि फीडबैक तो एक बच्चा भी आपको देता है। इफ यू टॉक टू अ चाइल्ड हु जो ना इन्फेंट से आप टॉक करते हो, ट्राई टू टॉक टू एन इन्फेंट, द वे इन्फेंट रिस्पॉन्ड्स, जिस तरह से उसका रिस्पॉन्स आता है, द चाइल्ड स्माइल्स और यू नो गिव्स यू नो वेरी पॉजिटिव वाइब्स वो देता है, तो दैट इज रिस्पॉन्स ऑफ द चाइल्ड। तो वही चीज हमारे साथ है। इफ समवन इज सेइंग समथिंग, सपोज क्लास में कुछ बताया जा रहा है, इफ योर रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव देन वट वुड हैपन, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका बैठने का तरीका, आपके पोस्चर, आपके जेस्चर, एवरीथिंग वुड बी पॉजिटिव। ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक चैप्टर है आपका बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें आपका रिस्पॉन्स ही काउंट होती हैं। तो आपको क्या करना है, जो हमने कम्युनिकेशन के बारे में अभी डिस्कस किया, वट इज अबाउट कम्युनिकेशन प्रोसेस था, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर एंड डिकोडिंग अलॉन्ग विथ फीडबैक। सो नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू, वट इज कम्युनिकेशन, वट डज इट मीन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये लगभग आपका मिलता जुलता ही है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में तीन मॉडल्स को इन्होंने डिस्क्राइब किया है, वन इज लीनियर, इंटरक्टिव एंड ट्रांसैक्शनल। ट्रांजेक्शनल मॉडल है आपका। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज वन वे मॉडल टू कम्युनिकेट विद अदर्स। वन वे कम्युनिकेशन है, यहाँ पे एक सेंडर है, वो एक मैसेज देगा, मैसेज की एनकोडिंग होगी, फिर एक चैनल के थ्रू मैसेज जाएगा और जो है वो रिसीवर डीकोड करेगा मीनिंग को, विच आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, वो सेम वही पैटर्न रहेगा। तो डीकोडिंग वो अपने हिसाब से करेगा। इट इज लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे आपका वन वे कम्युनिकेशन रहता है, दैट इज ये लिमिटेड है एंड फॉर मोस्ट पर्पजेज इट हैज बीन सुपरसीडेड बाय अदर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक ट्रांजेक्शनल एंड इंटरेक्टिव मॉडल्स। इंटरेक्टिव और ट्रांजेक्शनल मॉडल्स वेरी करते हैं, जो आपका वन वे कम्युनिकेशन है वो एक अलग तरह का लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो रहता है। स्पीकर्स ओनली स्पीक एंड नेवर लिसन, अ सेंडर ओनली सेंड्स मैसेजेस एंड नेवर रिसीव्स एनी फीडबैक। वन वे कम्युनिकेशन ही आपका रहेगा, जहाँ पे फीडबैक नहीं आएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि वन वे कम्युनिकेशन इज, अगर आप एक यू आर कम्युनिकेटिंग विद अ चाइल्ड, दैट इज नॉट वन वे कम्युनिकेशन, दैट इज टू वे कम्युनिकेशन। इफ अ टीचर इज डिलीवरिंग अ लेक्चर इन क्लास, तो वो भी वो आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चे जो है बीच में पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करते हैं। अगर 100 स्टूडेंट्स आर देयर, तो चार पांच बच्चे ही ऐसे होंगे जिनका रिस्पॉन्स जो है लीनियंट रहेगा, रेस्ट ऑफ देम दे लिसन टू यू एंड दे रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, तो वो भी टू वे कम्युनिकेशन होता है। सो जो लीनियर कम्युनिकेशन है आपका जो है उसमें वो रिस्पॉन्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं होता। सो इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इट प्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज अ टू वे कम्युनिकेशन, जहां पे क्या होगा आपका जो है वो मैसेज सेंड होगा, रिसीव होगा और द फीडबैक भी आएगा। सो इसमें सबसे पहले क्या है, सेंडर क्या करेगा, एक मैसेज डालेगा थ्रू चैनल, इट विल मूव अहेड, उसके बाद डीकोडिंग बाय द रिसीवर होगी, उसके बाद फिर क्या होगा आपका मैसेज को इंटरप्रेट किया जाएगा रिसीवर के, रिसीवर उसको इंटरप्रेट करेगा और जब इंटरप्रिटेशन उसकी हो जाएगी उसको अंडरस्टैंड करके आपको रिस्पॉन्ड करेगा। सो ये टू वे कम्युनिकेशन है और इसमें क्या रहता है, जनरेट्स मीनिंग बाय सेंडिंग मैसेजेस एंड रिसीविंग फीडबैक। आपको मैसेज भी सेंड करना है और आपको फीडबैक भी आपने रिसीव करना है। इट इज इंटरेक्टिव मॉडल। आपको बात से, आपको टाइटल से ही पता लग रहा है कि इंटरेक्शन इज वेन वी ट्राई टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, इट इज नॉट वन वे कम्युनिकेशन, आपका इंटरेक्टिव मॉडल है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में यहाँ पे क्या है, सेंडर एनकोडर है जो मैसेज सेंड करेगा, फिर एक चैनल है, फिर रिसीवर डिकोड करेगा, फिर फीडबैक आएगा और फिर उसका एक्सपीरियंस काउंट करता है, व्हाट डज द पर्सन फील। देन योर ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एवर रिमेन्स देयर। इसमें क्या है, आपको बाहर से शोर आ रहा है, बाहर से किसी भी तरह का नॉइज आ रहा है, लेकिन आपको अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाना है और रिसीवर को अपना कम्युनिकेशन जो है वो सेंडर तक लेके जाना है। सो इट दिस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर। इन दिस प्रोसेस ईच ऑफ द टू टेक्स टर्न टू सेंड द रिसीव्ड मैसेज को वो सेंड करने की कोशिश करते हैं। इन दिस मॉडल सेंडर एंड द रिसीवर डोंट कम्युनिकेटेड जस्ट टू एक्सचेंज देयर आइडियाज, दे कम्युनिकेट टू क्रिएट रिलेशनशिप। वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए वो लोग कम्युनिकेट करते हैं। एंड बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर नोन एज कम्युनिकेटर्स। दोनों
जो है वो पॉजिटिवली कम्युनिकेट करेंगे. बोथ द कम्युनिकेटर्स दे कीप कम्युनिकेशन अलाइव इन दिस मॉडल. दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर. दे इंटरचेंज देयर रोल्स एंड कम्युनिकेटर्स कैन बी ह्यूमंस और मशीन्स. तो इसमें जो है आपका फीडबैक साइमल्टेनियसली रहता है. वो लोग क्या करते हैं, कभी एक मैसेज सेंड करेगा, दूसरा रिसीव करेगा, कभी दूसरे वाला मैसेज सेंड करेगा तो फर्स्ट वाला आपका रिसीवर हो जाता है. इट इज़ लाइक इंटरेक्शन, जैसे हम बैठ के बातचीत करते हैं किसी के साथ. इट इज़ नॉट लाइक एड्रेसिंग अ क्लास और अटेंडिंग अ सेमिनार. इट इज़ अ टू वे इंटरेक्शन जिसमें हम खुल के एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं और बातचीत जो है वो करते हैं. इसको सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है. इट इज़ यूज फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. एवरी टॉक इंटरेक्शंस आर ऑल्सो टू फॉर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. बहुत से फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं. इसमें एनवायरमेंटल नॉइसेज हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं. और एनवायरमेंटल नॉइसेज में बाहर के शोर हो सकते हैं या फिर हम रिसेप्टिव नहीं है, ये चीज़ भी जो है वो हो सकती है. और कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो तरह तरह के बैरियर्स हैं. वो सिमेंटिक हैं, वो फिजिकल हैं, साइकोलॉजिकल हैं, कल्चरल हैं, सोशल हैं और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं. जो नॉइज़ है वो एक्सटर्नल साउंड्स भी हो सकती हैं और वो डिस्टर्बिंग जो है वो जो बाहर से आवाज़ आती है वो सारे का सारा इसमें वो काउंट करते हैं. सो आई डिस्कस्ड टू क्वेश्चंस विद यू टुडे. व्हाट यू विल हैव टू डू गो थ्रू, यू हैव टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस. आई एम डिस्कसिंग द थर्ड विद यू. व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक, क्या होता है फीडबैक. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मेनी टाइम्स फीडबैक के बारे में, हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है. इट इज़ नॉट इन रिटन. फीडबैक क्या है कि आप जो रिसीव कर रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग कैसे रिस्पॉन्ड करते हो. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच स्पीकर रिसीव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ हिज मैसेज हैज़ बीन रिसीव बाय द लिसनर. स्पीकर को पता लगता है कि लिसनर ने मेरा जो है वो मैसेज किस तरह से रिसीव किया है. स्पीकर इज गिविंग स्पीच, लिसनर्स का फीडबैक आएगा और वो स्पीकर के लिए रिस्पॉन्स वो काउंट होता है. सो कम्युनिकेशन इज नॉट वन वे ट्रैफिक. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वी डोंट लाइक टू गो फॉर वन वे कम्युनिकेशन. इट इज टू वे प्रोसेस. यहाँ पे सेंडिंग और रिसीविंग, स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों चीजें काम करती हैं. स्पीकर सेंड्स अ मैसेज, लिसनर रिसीव्स एंड ही गिव्स फीडबैक टू द स्पीकर. फिर स्पीकर का रिस्पॉन्स लिसनर के पास जाएगा, लिसनर का फिर से फीडबैक स्पीकर को जाएगा. एक सर्कुलर मोशन में ये चीज़ें चलती रहती हैं. लिसनर का जो रिस्पॉन्स है मैंने आपको पहले भी बताया था, वो वर्बल या नॉन वर्बल कुछ भी हो सकता है, उसका जेस्चरल भी हो सकता है. जैसे कई बार आपको क्लास में कुछ समझ में आ रहा है, यू आर नॉट स्पीकिंग, लेक्चर चल रहा है, लेकिन जिस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हो, आप अपना हेड नॉड करते हो या आप जो है वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगता है, जेस्चर से पता लगता है कि यू आर गेटिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल लिसनर्स रिस्पॉन्स. सो फॉर अ गुड फीडबैक कुछ एसेंशियल्स क्या है. लिसनर का इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि जो उसके इंटरेस्ट का टॉपिक है अगर आप उस पर डिस्कस करोगे तो यू विल बी अ सक्सेसफुल स्पीकर. स्पीकर की रिसेप्टिवनेस होनी चाहिए. स्पीकर शुड नॉट बी यू नो वेरी हार्श. स्पीकर शुड बी रिसेप्टिव. जो पूछा जा रहा है, जो क्वेरीज है, उनको हैंडल करने की एफिशिएंसी स्पीकर में होनी चाहिए. कई बार पीपल दे बिकम यू नो दे लूज देयर टेम्पर. इट शुड नॉट बी देयर एंड नो टेकिंग. लिसनर जो है कई बार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे हम लोग सेमिनार्स वगैरह अटेंड करते हैं तो व्हाट्स एवर इज बीइंग स्पोकन इफ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग वी जस्ट नोट इट डाउन. वी आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट थिंग. एंड नेक्स्ट वन इज कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीकर एंड एज वेल एज ऑफ द लिसनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टू वे प्रोसेस है. एट टाइम्स स्पीकर इज सेइंग समथिंग, एट टाइम्स लिसनर इज आस्किंग समथिंग. तो वी नीड टू बी वेरी अलर्ट एंड अटेंटिव एंड योर प्रेपरेशन इज अबव ऑल. बोथ ऑफ देम दे शुड बी रेडी. स्पीकर को ये सोच के आना है कि मैंने क्या कंटेंट डिलीवर करना है. उसके ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द स्पीकर शुड बी क्लियर. और लिसनर को ये सोच के आना है कि वेन एवर आई लिसन टू, व्हाट्स एवर आई लिसन टू, तो मैंने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, या मेरे क्या क्वेश्चन रहेंगे, या मुझे कितना अलर्ट होकर बैठना है, किस तरह से मेरा जो है वो रिस्पॉन्स होना चाहिए. इवन अफ सम क्वेश्चन आर देयर विच आर अनोइंग, जो आपको गुस्सा भी दिलाते हैं, इफ दे आर बींग आस्क्ड फ्रॉम द स्पीकर बाय द लिसनर. तो स्पीकर शुड हैव पेशेंस एंड लिसनर शुड नो व्हाट शुड ही आस्क और शी आस्क एंड व्हाट शुड नॉट बी आस्क. सो दीज थिंग्स शुड बी क्लियर. सो आई हैव डिस्कस्ड योर थ्री टॉपिक्स विद यू. स्मॉल टॉपिक्स वर देयर, दे डेल्ट विद कम्युनिकेशन. सो व्हाट विल यू डू टुडे, यू विल जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स एंड कीप ऑन प्रिपेयरिंग योर नोट्स साइमल्टेनियसली, बिकॉज जो आपके नोट्स बनेंगे दे विल बी लाइक यू नो असाइनमेंट which is meant for 10 marks. तो आपने साथ साथ में काम भी करते रहना है. एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, बेटर परचेज बुक्स, दे आर अवेलेबल इन द मार्केट. बुक्स ले लो, जहां मर्जी से लो, जैसे मर्जी लो, बट वी नीड बुक्स. ओनली 3 बुक्स आर अवेलेबल, सो बेटर परचेज देम. बुक ऑफ टेक्निकल राइटिंग, आई डोंट नो व्हेन विल इट बी पॉसिबल फॉर अस टू गेट द बुक, बट वेन एवर आई कम टू नो अबाउट एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बुक आई विल इन्फॉर्म यू टाइमली. सो गुड डे.